नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर में हनुमान टोरिया के पीछे गौशाला में लगभग एक वर्षों से लगातार बीमार गायों का उपचार किया जा रहा है और उनकी तब तक देखरेख की जाती है जब तक कि वे पूर्णतः स्वस्थ न हो जाएं। काली माता मंदिर के बगल में पिछले एक साल से संचालित गौ सेवा केंद्र में बीमार एक्सीडेंट से घायल गायों को गौ सेवा केंद्र लाया जाता है। गौ सेवा केंद्र संचालक रविराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम में लगभग 15 से 20 लोग हैं जो निशुल्क गौ सेवा करते हैं। शहर में सोशल मीडिया, समाजसेवियों या शहर के नागरिकों द्वारा फोन पर बीमार गाय की जानकारी दी जाती है और टीम मौके पर 30 मिनट में पहुंच जाती है और बीमार गाय को पकड़कर इलाज शुरू कर दिया जाता है। यदि गाय अधिक बीमार है तो भाड़े के वाहन से उसे गौ सेवा स्वास्थ्य केंद्र ले आते हैं, जहां पर उसका इलाज और खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाती है। ये कार्य पिछले 4 सालों से लगातार किया जा रहा है। तब हम लोग गायों को गौशाला में भेजा करते थे, लेकिन अब सभी ने मिलकर निजी गौ सेवा केंद्र का संचालन शुरू किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यापारियों के माध्यम से और समाज सेवियों के माध्यम से आ जाती है कॉल टू सूचना, और या हम लोग ही कहीं रास्ते में जाते हुए समय लगता है तो उनको हम लोग तुरंत हैंडल करते हैं। कैसे जाते हैं आप लोग, कितना टाइम लगता है, कैसे उनकी दवा डाल कर? हम लोग अपनी बाइक से जाते हैं या कहीं जैसे होता है प्राइवेट वाहन से लाते हैं हम लोग, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह कुछ है नहीं। सहयोग तो ऐसा है कि हम लोग स्वयं सेवा से चलते हैं। जो ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त गाय होती है उनको क्या करते हैं? उनका कोशिश भर तो वहीं पे इलाज करते हैं, अगर जो वहाँ करने लायक नहीं होता है तो हम लोग भाड़े की टैक्सी से ला करके यहाँ लाते हैं, उनका फिर पूरा अच्छे तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। दवा दारू आपको कहाँ से उपलब्ध होती है और कहाँ से इनको खाना पीना? वो सब हम लोग मार्केट से लाते हैं, अपनी निजी खर्च से लगाते हैं उसको। कितने साल हो गए आपको? हम लोगों को सेवा केंद्र चलाते 1 साल हो गया है और सेवा करते हुए हो गया 4 साल। कितने लोग हैं आपके? हम लोगों की टीम में 15 से 20 लोग हैं।